हमारे देश का वर्णन होता है, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश। हमारी उपासना पद्धति अलग अलग होगी, जात पंथ धर्म संप्रदाय में अलग अलग लोग होंगे, पर हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत की ये विशेषता है कि भगवान प्रभु रामचंद्र हमारे पूरे देशवासियों के आस्था श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक है। आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, केशव प्रसाद जी ने मुझे आग्रह किया और हमारे संसद को भी मैंने कहा था कि आने के बाद ऐसी दो बातें करूंगा, केवल हिंदुस्तान नहीं तो पूरे दुनिया का आकर्षण केंद्र कौशाम्बी और ये बनेगा। ये देखो कैसा ब्रिज है, ये ऊपर में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और व्यूअर गैलरी बनेगी और कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाएंगे लोग और ऊपर में जाकर वहां प्रयागराज के इतिहास का आर्ट गैलरी भी होगी और ऐसा ब्रिज अब निश्चित रूप से पापा माओ में बनेगा। और ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट केवल हिंदुस्तान का नहीं, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं तो पूरे दुनिया के आकर्षण का टूरिस्ट का केंद्र बनेगा, ऐसी जगह यहाँ बनेगी, ये मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर ब्रिज, नीचे में रोड, उसके ऊपर में ब्रिज, ब्रिज के ऊपर में ब्रिज, ऐसा पहला डबल डेकर ब्रिज प्रयागराज शहर के अंदर मैं बनाऊंगा, ऐसी घोषणा कर रहा हूं। ये मेरे जीवन का परम भाग्य है कि अयोध्या के इस पवित्र भूमि पर आज मुझे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास करने का अवसर मिला। इस पौराणिक मार्ग का काम करने के लिए पहले इसको राष्ट्रीय महामार्ग करके हमें घोषित करना पड़ा। इसको हमने एनएच घोषित करके इसका विकसित करने का काम आज शुरू हो रहा है कि करीब 3100 करोड़ रुपए खर्चा करके 200 किलोमीटर के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के सारपुर से गोसाईगंज, बीकापुर, पटरंगा, रायपुर और जगन्नाथपुर हिस्से का आज यहाँ शिलान्यास हो रहा है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय। फिर से एक बार आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपकी शुभकामनाएं योगी जी के साथ, केशव जी के साथ, हमारे सभी विधायकों के साथ और हमारे पार्टी के साथ, वही प्रेम वही आशीर्वाद अगर रहेगा, मैं नितिन गडकरी आपको वचन देता हूं, भगवान प्रभु रामचंद्र को साक्षी रखकर आपको वचन देता हूं, आप डबल इंजन लगा दो, मैं 5,00,000 करोड़ रुपए के रोड फिर से नए उत्तर प्रदेश में बना दूंगा और उत्तर प्रदेश के रोड को मैं अमेरिका के बराबर करा दूंगा। ये वचन देने के लिए